एक मिनट रुक जाइए, व्लॉग को हमने कर लिया था पूरा एडिट और अभी जैसे ये कंटिन्यू हुआ था वैसे ही ये चलते रहता नॉर्मल, ठीक है। फिर हमने देखा लास्ट में कि ये तो मतलब वीडियो क्लिप्स को एक तरह से एक साथ जोड़ना हो गया, कुछ विजुअल्स दे दिए, कुछ बढ़िया शॉर्ट्स दे दिए और एडिट हो गया कंप्लीट। मतलब इसमें मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब ऐसा कोई कारण नहीं था कि आप इस वीडियो को देखें विजुअल्स के अलावा। पर अभी जो है ये पूरी जो वीडियो है वो एक्चुअली में एक कहानी बन गई है और कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब आप ज़रा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से क्यों देखिएगा, क्योंकि जो हमारी कहानी है वो सारी पार्टों से होके जाती है। मतलब कि अगर आप एक पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको दूसरी बात हमारी समझ में आएगी नहीं। और कहानी का मुद्दा क्या है ये आप पहले सुन लीजिए, तब आपको जो है इंटरेस्ट आएगा इसमें। हुआ यूँ कि हम पांच दोस्त, अब एक एक के नाम हम आपको बताएंगे नहीं क्योंकि आपको याद रहेगा नहीं, दो मेन कैरेक्टर है इसमें, राहुल और अक्षय, ठीक है। अब आप ज़रा गौर से सुनिएगा, पांच दोस्तों ने एक प्लान बनाया। हमारे यहाँ मकर संक्रांति होती है, अब आप ये बेहतर जानते होंगे कि मकर संक्रांति क्या होती है, इसको सेलिब्रेट करने का। अब सेलिब्रेट करने का मतलब सेलिब्रेट तो हर आदमी के घर पे होती है, ठीक है। पर हमने ये सोचा कि हम इसको साथ मनाएंगे, मतलब कि हम साथ साथ हैं कि फंडे को आगे लेके जाएंगे और जो है इसको एक साथ मनाएंगे। जो लोग व्लॉग करते हैं वो व्लॉग भी कर लेंगे, कंटेंट मिल जाएगा, पार्टी हो जाएगी और साथ में पतंगबाजी भी कर लेंगे। मतलब मेन जो प्लान था वो पतंगबाजी के ऊपर में था क्योंकि ये फेस्टिवल जो है वो उसी को लेके है, ठीक है। अब हम लोगों ने प्लान बना लिया कि हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। दो दिन पहले हमारा प्लान बना, बातें पहले से चल रही थी पर दो दिन पहले हमने सब कुछ फाइनल कर लिया, राहुल के घर पे हमारा जो ये प्लान है इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब क्या होता है, 14 तारीख आता है, मकर संक्रांति का दिन। अब कोई भी बंदा एक दूसरे से कॉन्टैक्ट भी नहीं करता है। मतलब अब ऐसा क्या हो गया कि 14 तारीख आता है, कोई एक दूसरे से कॉन्टैक्ट भी नहीं करता और प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता है। अब इसका जो कारण है वो इस वीडियो में है, आप अब इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है। तो इसको पहले शुरू करते हैं, पहले आप इस पार्ट से इसकी शुरुआत करते हैं। ये वो रात है जब जिस रात को हमने प्लान किया था और हम इस दिन एक्साइटेड भी थे, ठीक है। तो हमने जल्दी जल्दी अपने काम को निपटाया, आप ज़रा इस पार्ट को देखें पहले। और अभी रात के 10:30 हो रहे हैं, हमें करनी है एडिटिंग, क्योंकि जो डेटा है वो हमें कल के कल डिलीवर करना है, तो इसके लिए पूरी रात जाने वाली है। तो अभी हम टाइम लैप्स लगाएंगे, 5 से 10 सेकंड में आपके पास से गुजर जाएगा पर उसमें मेरी पूरी रात जाने वाली है। खुद का समय ना बिगाड़ते हुए और आपका भी, इसको स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली जो हमारा एडिटिंग का काम था वो हो गया है समाप्त और अभी बज रहे रात के 2। तो हमारे पास में 2-3 ऑप्शंस हैं, अब हम किताबें पढ़ सकते हैं, फ़ोन चला सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और सो सकते हैं। तो हम चुनेंगे 3rd ऑप्शन, क्योंकि अगर हम सोएंगे नहीं तो कल सुबह उठने में लेट होगा और फिर दिन जो है लेट से स्टार्ट होगा तो सारा जो काम है वो ख़राब हो जाएगा। तो सो जाते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं। इस रात को हमने जल्दी जल्दी अपने काम निपटा दिए और अब आती है अगली सुबह। अब ये जो दिन था यही वो दिन था जो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, मतलब हमारे साथ में भी कुछ हुआ, क्योंकि हम चाहते तो कोशिश कर सकते थे, घर पे जा सकते थे, ज़बरदस्ती 50 फ़ोन कर सकते थे, मतलब सबको परेशान करके रख देते कि नहीं हमें तो ये करना ही, पर हमने भी नहीं किया। तो ये वो दिन है जो आपको ये कारण बताएगा कि हमने भी कोशिश क्यों नहीं की, ठीक है। तो आप इस पार्ट को अब देखें। तो गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी 4 बजने वाला है और हम उठ गए थे पर हमने वीडियोस जो है वो नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि हम सोए पड़े थे, वीडियोस देख रहे थे, कुछ एडिटिंग भी की। उसके बाद में हमने खाना वाना खा लिया है, अभी हम रेडी हैं, अब जो बाहर के काम हैं उनको निपटाएंगे। तो आज हमारे पास में एक अच्छा काम है, दुकान का एड शूट करना है, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं, डेकोर आइटम मिलता है वहाँ पे और काफ़ी बढ़िया दुकान है जैसा कि अभी तक हमें सुनने को मिला। एग्जैक्टली उसको जाके देखते हैं, फिर रात को आते हैं तो कल मकर संक्रांति है, उसकी तैयारी भी करनी है। अब हम जो है शूट पे जा ही रहे थे तभी हमारा एक पार्सल आ गया, तो इसको ज़रा खोल के देख लेते कि इसके अंदर में क्या है। अभी हम
और इंतज़ार कर रहे हैं कि जो हमारा फ्रेंड है वो हमें आके ले ले, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं एक छोटा सा सीक्वेंस शूट करने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा समय निकाल दिया। और हमने अभी एक चीज़ देखा कि हमारा कैमरा भी डिस्चार्ज होने वाला है, इसको भी चार्ज में लगा देते हैं, तब तक रेडी हो जाते हैं और कॉल कर लेते हैं, क्योंकि वो जानना ज़रूरी है कि वो कहाँ। गुस्सा तो हमें उसी पॉइंट पे आ चुका था जब अक्षय जी जो हमें लेने आने वाले थे उन्होंने हमारा फ़ोन इग्नोर कर दिया। अब एक दो नहीं, हमने चार फ़ोन किए, उन्होंने नहीं उठाया, तो हमने अब ज़्यादा फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा। अब क्यों ज़रूरी समझते भाई, बुरा तो हमें भी लग रहा था, तो हमने उनको छोड़ दिया। अभी हमें कोई और मिल गया, हम उसके साथ चले गए। जो है जहाँ हमें जाना था शूट में वहाँ के लिए हम निकल चुके हैं, और एग्जैक्टली अभी 6:30 हो रहा है। तो हमने उनसे बात कर लिया था कि हम आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें पूरा उम्मीद था कि जिसके हम भरोसे बैठे हैं वो लेट करेगा ही। एग्जैक्टली वो तो आया नहीं, हमें कोई और फरिश्ता मिल गया जो अभी वहाँ तक छोड़। ये जो हम बार बार मेंशन कर रहे हैं कि किसी ने हमें इग्नोर किया है, वो यही दर्द है जो वीडियो में छलक रहा है। ठीक है, हमारे पीछे सालसा डेकोर करके नाम है इसका, और अभी एग्जैक्टली हम इसके बाहर हैं, तो हमें पहले कुछ फ़ोटोज़ करना है फिर वीडियोज़ करना है। तो अभी इस व्लॉगिंग सेटअप को अंदर डालेंगे और उसके शूट के लिए कैमरे को प्रिपेयर करेंगे। बाकी बहुत लोग मुझे वेट तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है यहाँ के, तो करते हैं इसको। हमारा जो सबसे पहला काम था एड शूट वाला, वो हो चुका है। अब जो सेकंड काम है वो है एक वीडियो करेक्शन, तो सीधा से चेंज करते हैं और बढ़ते हैं उसकी तरफ बिना समय को गवाए। सूट से आने के बाद हमने फिर जो है फिर से एक बार उनको फ़ोन ट्राई किया, उसके बाद में हमने फिर से एक बार राहुल जी को फ़ोन ट्राई किया, पर दोनों में से किसी का रिस्पॉन्स नहीं आता। तो जो हमारा आज का जो भी प्लान था वो सब हो गया है कंप्लीट, और हमने जितने भी चीज़ को नोट किया था वो सब हमने कर लिया है, और अब बचा है प्लानिंग फॉर टुमारो। तो अब बात करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, और अभी हम हो चुके हैं रेडी, और आज जो है कि मकर संक्रांति है जैसे कि हमने कल बताया था, और अभी जो सबसे पहला काम है वो ये है कि अभी हम खाएँगे पेट भर के दही चूरा। दही चूरा मतलब जो आगे लगता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, समझ रहे हैं आप, दही चूरा। उसके बाद में जो आज का दिन है वो पतंगबाजी में जाएगा, क्योंकि मकर संक्रांति को मना रहे हैं और पतंगबाजी नहीं किए तो फिर क्या किए। तो हमने खा लिया पेट भर के खाना, और आप यूं कह सकते हैं कि हमने कर दिया अपने बॉडी में ड्रग्स इंजेक्ट, क्योंकि हमने खा लिया पेट भर के दही, और दही जो है हमारे यहाँ वो ड्रग्स का काम करती है, मतलब अच्छा खासा नशा दे देती है। तो अभी जो है हम अच्छे खासे नशे को करने के बाद अभी एक सीक्वेंस शूट करना है मकर संक्रांति के ऊपर ही, जो हम वीडियो पोस्ट करेंगे उसके लिए, तो अभी आप वो देखेंगे अभी वीडियो में। और पतंगबाजी का जो प्लान है वो ऑन है, तो अब जाएंगे बाज़ार में थोड़े कुछ पतंग लेंगे और चिट्ठियों के संदेश।
प्लान है वो कंटिन्यू रहेगा, आलस नहीं करने का। अभी रास्ते में चलते चलते हम आ गए थे एक बैंक के पास, और हमारा एक काम था बैंक में पेंडिंग, KYC रिन्यू होता है वो हमें करवाना था, तो हमने जाके ब्रांच में वो कर लिया है। और अभी हम ढूंढ रहे हैं एक बढ़िया पतंग की दुकान, ताकि जो है पतंगबाजी हम कर सकें। और बात इतने पे अगर ख़त्म हो जाती तो ठीक था। अगले दिन जो है हमें फिर एक दोस्त से इग्नोरेंस का सामना करना पड़ा, और ये मकर संक्रांति का ही दिन था, और इस दिन एक अलग दोस्त ने हमें फिर से धोखा दिया। जिसके भरोसे हम सुबह से बैठे थे आज, वो तो आया नहीं। हमें पूरा भरोसा था कि वो नहीं आएगा, तो हम उतने देर सो रहे थे, और तभी अचानक से हमें कॉल आया हमारे दोस्त सुमित जी का कि आप चलेंगे क्या? तो हमें बोला बिल्कुल चलेंगे, आप ले चलें हमें। और अभी हम निकले हैं पतंग की बढ़िया दुकान खोज रहे हैं, और काम जो है फिर से आया हमारे सुमित भैया, क्योंकि भाई हमें आके ले गए। तो हमने लिया एक आत्मनिर्भर पतंग, और एक बेंटन वाला पतंग, और एक कागज़ का पतंग, और पूरे हमने 300 रुपये खर्च किए हैं। और कोई पार्टनर जैसा कि हमें मिला नहीं पतंग उड़ाने के लिए, तो हम दोनों एक दूसरे का काटेंगे। ऐसे तो पूरी दुनिया हमारी काटती है, पर एक दूसरे का काटेंगे, पतंग काटेंगे। तो क्या लगता है, पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से, बिना मेहनत के पतंग उड़ाएंगे? तो यहीं से हमारा पतंग उड़ाने का प्लान है। चल प्रिपरेशन रेडी कर पगड़। हम तो पहले बोले थे कुछ नहीं आता ये भाई। तो जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं, और अभी हम उड़ाएंगे बढ़िया से पतंग, तो कुछ 120 FPS। ठीक है, आपने इससे पहले कभी इस तरह से पतंग मतलब ऐसे बनाया है क्या? हाँ भाई बिल्कुल। आपको भरोसा है कि उड़ेगा? एकदम। कौन सा बनाया था? आत्मनिर्भर वाला बना। हाँ आत्मनिर्भर बनाओ। ये देखिए आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो अभी हम लोग आसमान में भारत को आत्मनिर्भर करते हैं। हमसे तो उड़ेगा नहीं, उसका छोड़ देंगे आत्मनिर्भर। तो हमारे हिसाब से तो सब कुछ ठीक था, पर पतंग जो है वो उड़ नहीं रहा था। तो अभी हमारे बीच में एक एक्सपर्ट आए हैं, जिन्होंने कहा है कि इसको नाथा कौन है भाई, तो गड़बड़ है। तो अभी इसको जो है ये ठीक कर रहे हैं, और अगर इसके बाद भी नहीं उड़ा तो आप समझ लीजिए कमी हमारे अंदर नहीं है, कमी पतंग बनाने वाले के अंदर है। हम दूसरी पतंग का भाई करते हैं। तो देख सकते हैं हम कितने प्रोफेशनल है, ये लोग नूब लोग, इन्हें से हो नहीं पाया। और अभी हम लोग पतंग उड़ा रहे हैं। ऊंचाई दिखाइए जरा, ऊंचाई दिखाइए। ग्रेटिट्यूड वाली पूरी फीलिंग आ रही है हमें अभी, मतलब ऊंचाई देखिए जरा। फाइनली आपका धागा खत्म हो गया स्वयं प्रकाश जी, अब क्या करना चाहेंगे? हमने इतना मतलब बढ़िया, कहाँ पतंग है हमारा, हिम्मत है तो उड़ाइए और काटिए जरा हमारे पतंग। ठीक है बोलिए, बस हम ही उड़ा के आपको दिए हैं। उड़ा नहीं पा रहा था भाई, तुम सुनो ना, उड़ा के दे दिए तो मतलब गुमराह करने का जरूरी नहीं है। सरासर झूठ बोल रहे तुम भाई ब्लॉग में, देख रहे मांझा लपेट रहा है, देखिए यही बच गया इंसान है। यहाँ देखिए दोस्ती का इतना कदर करते हैं, इसका कट गया तो पतंग का ही लपेट दे रहा है मांझा, दोबारा उड़ा सके। ठीक है भाई, तो एक के बाद एक हम जीतते जा रहे हैं। अभी हमने एक और पतंग को काटा है, वीडियो में हम आपको दिखा देते हैं। और भी जो है हमारा दूसरा स्टॉक आ चुका है। ठीक है, दूसरा स्टॉक आ चुका है और ये अब तैयार हो रहा है, और जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो अब एकदम गायब से हो गए हैं। और अब लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि अगर हमसे टकराएंगे तो काम तमाम हो जाएगा। तो इसके बाद जो है आज रात में हमारे यहाँ खिचड़ी बनता है, मतलब सभी क्या मकर संक्रांति के दिन को, तो देसी घी के साथ खिचड़ी और बाकी सारी चीज़ें जो उसके साथ होती है उनका मजा लेंगे। और यहीं के साथ में करते हैं इस ब्लॉग को समाप्त, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो मुजफ्फरपुर से बाहर का होने वाला है। ठीक है, या तो हम अकेले जाएंगे, या हमारे साथ में 2-3 गिने चुने कुछ लोग जाएंगे जिनको हम पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा देंगे। और तो चलते हैं मुजफ्फरपुर से बाहर और करते हैं कुछ कलाकारी। ठीक है, चलिए। से जा
अब आप वीडियो के लास्ट में कहेंगे कि मोटिव क्या था भाई, मतलब क्या इस कहानी से क्या निकलता। अब जरा सुने इस बात को। सबकी प्रॉब्लम्स हमने बैठ के सुनी और हम इस डिसीजन पे आए कि कभी कभी क्या होता है कि आप जो है वो तुरंत लोगों को जज कर लेते हैं कि मतलब जानबूझ के आपके साथ में इग्नोरेंस, आपको सब इग्नोर कर रहे हैं या फिर जानबूझ के आपको नेग्लेक्ट किया जा रहा है या वैसा कुछ भी, ठीक है। पर एक्चुअली में कभी कभी चीज़ें वैसी होती नहीं है जैसा आप सोचते हैं। अब हम ज्ञान नहीं देंगे ज़्यादा, पर बात दरअसल बस इतनी है कि आप जो है वो तुरंत में किसी को जज ना करें और जो है अपना जो संबंध है वो बनाए रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगला जो है वो जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहा हो। हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में भी फंसा हो, तो हमारे केस में कुछ ऐसा ही था। अब आप कहेंगे कि सबके सब एक साथ कैसे प्रॉब्लम में फंस गए, तो दो लोग जो उसमें से थे हमारे प्लान में वो एक साथ ही थे, और जो एक दोस्त था हमारा उसने एक्चुअली में गलत किया था। मंजीत नाम है उसका, आप कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दीजिए। तो वो जो हमारा दोस्त था उसने जानबूझ के हमारे साथ में गलत किया, तो वो गलत है। और बाकी जहाँ तक बात है तो मंजीत जी के भी कुछ पर्सनल रीजंस थे। पर्सनल रीजंस ये थे कि उनको जॉब से उस दिन भी छुट्टी मिली नहीं थी, इसलिए वो आ नहीं पाए। पर प्लान उन्होंने जोश जोश में हमारे साथ में बना लिया था, तो यही कारण है। और इसी के साथ में करते हैं वीडियो को समाप्त। और जैसा कि हमने ब्लॉग के एंड में बोला है, ब्लॉग जो है इसके बाद का वो बाहर का ही आएगा, और कहाँ का आएगा ये अभी हम नहीं बताएंगे। ये अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें @thesvayamprakash, ये देखें आप, तो आपको जो है अपडेट मिल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और ब्लॉग अगला कहाँ का होने वाला है। तो सब्सक्राइब।